साइबेरिया एक इतना ठंडा देश कि इस देश की तरफ से आने वाली हवाएं भी जिन जिन देशों से गुजरती है वहां ठंड का मौसम कड़कड़ाने लगता है। आखिर ये साइबेरिया है कहां पर जहां से इतनी ठंडी हवाएं आती रहती है? साइबेरिया इतना ठंडा क्यों है? क्या यहां पर लोग रहते बसते हैं? अगर हाँ तो किस हाल में रहते होंगे? आइए जानते हैं। साइबेरिया एशिया के उत्तर में मौजूद एक बहुत बड़ा इलाका है। इसे स्लीपिंग लैंड यानी सोई हुई जमीन भी कहा जाता है। इसका ज्यादातर इलाका रशिया के अंदर है। पश्चिम से पूरब में साइबेरिया यूराल की पहाड़ियों से लेकर पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है, जबकि उत्तर से दक्षिण में यह इलाका आर्कटिक ओशन से लेकर मंगोलिया, चाइना और किर्गिस्तान तक फैला हुआ है। साइबेरिया 1,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की जमीन रोके हुए है। रशिया का 77% हिस्सा, 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा साइबेरिया का ही है। दोस्तों, साइबेरिया नाम का ये इलाका इतना बड़ा है कि अगर ये एक अलग देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। जानकर हैरानी हो सकती है आपको, लेकिन हाँ, भारत जैसे 3 देश साइबेरिया में पूरे समा सकते हैं। साइबेरिया की ठंडी हवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की हिमालय पर्वतमाला से टकरा कर रुक जाता है। अगर ये हिमालय की पर्वतमाला ना होती तो भारत में ठंडी का मौसम डबल ठंड बरसा रहा होता। साइबेरिया का मौसम और टेम्परेचर। साइबेरिया अपने सख्त ठंडे मौसम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन औसतन टेम्परेचर -40 या -40 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। साइबेरिया में 1 साल के 9 महीने ठंडी के मौसम के होते हैं, जबकि गर्मी सिर्फ 3 महीनों के लिए ही आती है। दोस्तों, साइबेरिया इतना ठंडा होने के बावजूद गर्मी के 3 महीनों में साइबेरिया के कुछ इलाके बहुत गर्म भी हो जाते हैं और वहाँ का तापमान 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। दुनिया की सबसे ठंडी जगह। अब क्योंकि साइबेरिया दुनिया भर में अपने ठंडे मौसम की वजह से जाना जाता है, इसलिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी यहाँ पर ही मौजूद है। साइबेरिया में मौजूद ओमियाकोन नामी गांव को दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। ठंडी के मौसम में यहाँ का तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यही वो जगह है जहाँ 1933 में दुनिया का सबसे नीचा तापमान -68 डिग्री सेल्सियस ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि 1924 में यहाँ का तापमान -71 सेल्सियस यानी 96 फ़ारेनहाइट तक गिर चुका था। 2010 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर कोई 500 लोग ही रहा बसा करते थे। लेकिन अगर शहर की बात की जाए तो साइबेरिया के याकुत्स्क शहर को दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। याकुत्स्क की कुल आबादी तकरीबन 3.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। साइबेरिया में ज्यादातर लोगों के घर लकड़ी से बनाए हुए हैं और इन घरों को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है ताकि बर्फबारी में ये बर्फ के अंदर ना धस जाए। यहाँ से गाड़ियाँ लेकर गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ियों को स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि गाड़ी का पेट्रोल बहुत ज्यादा ठंड की वजह से जम जाए और फिर गाड़ी चालू ही ना हो सके। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि गर्म पानी को भी अगर हवा में उछाला जाए तो पानी नीचे गिरने से पहले ही जम जाता है। बैकाल झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही बैकाल झील है। इसे साइबेरिया की नीली आंख के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे पौराणिक झील है जो आज तक रवादवा है। वैज्ञानिकों की हाकम हाक के हिसाब से ये झील 2.5 से 3 करोड़ साल पहले से साइबेरिया में मौजूद है। ये न सिर्फ सबसे पुरानी बल्कि दुनिया की सबसे लंबी और गहरी झील होने का टाइटल भी अपने पास रखती है। इस झील की लंबाई 636 किलोमीटर है और गहराई 5315 फीट तक अंदर है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये दुनिया में ताजे मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, जो दुनिया के कुल ताजा पानी का 20% हिस्सा रोके हुए है। तकरीबन 330 छोटे बड़े नदी नाले बहते हुए इसी झील में आकर समा जाते हैं, जबकि इसके अंदर से सिर्फ एक ही नदी निकलती है। दोस्तों, बैकाल झील इतनी बड़ी और चौड़ी है कि यहाँ के रहायशी इसे झील नहीं बल्कि समंदर ही मानते हैं। जब साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है तो ये झील 5 से 6 महीनों तक पूरी बर्फ से जम जाती है और झील की सतह पर बर्फ और ठंडी हवाएं चलती रहती है। इन दिनों टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है,
जब ये झील पूरी तरह बर्फ से जम जाती है तो आसपास के इलाकों तक थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए यहाँ के लोग इसी झील के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ाने लगते हैं, मानो जैसे ये कोई मजबूत रोड हो। आइए अब जानते हैं कि साइबेरियन हवाएं कैसे बनती है और कैसे वजूद में आती है। सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है तो उस वक्त बैकाल की झील और इस पूरे साइबेरियन रीजन में ठंड अपना कहर बरसाती है। इसी के साथ यहाँ हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में ठंडी हवाओं का एक एंटी साइक्लोन वजूद में आता है, जिसे साइबेरियन हवा या साइबेरियन हाई भी कहा जाता है। ये ठंडी हवाएं जब साइबेरिया से उठती है तो सीधे दक्षिण एशिया की तरफ चलने लगती है और दरिया किनारे तक फैल जाती है। साइबेरिया की ये हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और पूरे दक्षिण एशिया को अपनी लपेट में ले लेती है, लेकिन हिमालय पर्वतमाला की वजह से साइबेरिया की सारी ठंडी हवाएं भारत में नहीं घुस पाती। अगर हिमालय ना होता तो भारत के कई हिस्सों में भी बर्फबारी हो सकती थी इन हवाओं की वजह से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यूराल के पहाड़, सनोबर के जंगल, 8 अलग अलग टाइम जोन्स और कुदरत के सैकड़ों दिल दहला देने वाले नज़ारों के बीच से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक भी साइबेरिया में ही मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक रशिया के पश्चिमी शहर मॉस्को को रशिया के पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक से मिलाता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 9,288 किलोमीटर है। ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है, जो 1891 में बनना शुरू हुआ था और 1916 में बनकर तैयार हुआ। अगर आप मॉस्को से व्लादिवोस्टोक इसी रेलवे ट्रैक से सफर करें तो कुदरत के तकरीबन सारे हसीन नज़ारों को देखने के लिए आपकी 6 रातें और 6 दिन खर्च होंगे। अगर इस ट्रेन का सफ़र आप पूरा कर ले तो आप कह सकते हैं कि आपने लगभग पूरा रशिया देख लिया है। ठंडा रेगिस्तान। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिणी साइबेरिया में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में एक रेगिस्तान भी पाया जाता है, लेकिन ये रेगिस्तान गर्म नहीं बल्कि ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ ऊंट नहीं बल्कि पोलर बियर्स पाए जाते हैं। ठंडी में होने वाली बर्फबारी इस रेगिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर तक है। जब साइबेरिया में गर्मी का मौसम शुरू होता है, जिससे रेगिस्तान के ऊपर की जमी बर्फ पिघल जाती है, ऐसे वक्त में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में ये रेगिस्तान वाकई बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। रूस के लिए साइबेरिया की अहमियत। साइबेरिया का इलाका और उसकी मौसमी खासियतें हमेशा से ही उसके तरक्की के रास्ते में रुकावट रही है, लेकिन साइबेरिया का ये इलाका रशिया के लिए हमेशा से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही खास रहा है। साइबेरिया अपने सख्त मौसम की वजह से हर तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ से सिक्योर रहता है। भले ही ये इलाका साल के ज़्यादातर महीने ठंडे की लपेट में जमा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसकी आबादी बहुत कम है, मगर इकोनॉमिकली रशिया को फ़ायदा भी पहुँचा रहा है। रशिया के तकरीबन 70% ऑयल और गैस के भंडार इसी साइबेरिया के इलाके में ही पाए जाते हैं। साइबेरिया से मिलने वाली इसी गैस की बदौलत ही रूस दुनिया में सबसे बड़ा कुदरती गैस का एक्सपोर्टर है। यूरोप के बहुत से देश गैस के लिए रशिया पर ही निर्भर रहते हैं। साइबेरिया की आबादी। साइबेरिया भले ही रशिया के 3/4 इलाके पर फैला हुआ है, लेकिन इस बड़े से इलाके में आबाद लोग रशिया की टोटल आबादी के सिर्फ 23% ही है। कम आबादी की मेन वजह यहाँ पड़ने वाली कड़कड़ाती ठंडी ही है, जिसे झेलना किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं। अब भले ही साइबेरिया में आबादी कम है और यहाँ के कुछ लोग इसे छोड़कर दूसरे शहरों में जाना भी चाहते हैं, लेकिन 1960 की दिहाई में जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और हालात बहुत खराब थे, तो ऐसे में वैज्ञानिकों की एक टीम बेफिक्र आज़ाद होकर पश्चिमी साइबेरिया के एक इलाके में चली गई थी और अपनी रिसर्च यहीं पर शुरू कर दी थी। आज वहां पर 2.5 किलोमीटर के इलाके में 20 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। इस इलाके को स्मार्टेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। साइबेरिया न सिर्फ कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है, बल्कि दुनिया भर के नायाब और अलग नस्ल के जानवर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर इन जानवरों में सबसे ज़्यादा मशहूर है और ये टाइगर स्पेशी का सबसे लंबा जानवर है। साइबेरियन टाइगर की नस्ल तेज़ी से अपने खात्मे की ओर जा रही है। एक अंदाजे के हिसाब से अब सिर्फ कुछ 100 साइबेरियन टाइगर ही जिंदा बचे हुए हैं।
इसके अलावा साइबेरियन हस्की, बिल्लियाँ और बड़े बड़े पोलर डियर जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। साल 1908 में पूर्वी साइबेरिया के ताइगा इको रीजियन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2000 किलोमीटर के इलाके में करोड़ों पेड़ पौधों का सफाया हो गया, खत्म हो गए। एक्सपर्ट के हिसाब से ये धमाका 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कराई गई हमले से कई गुना बड़ा और ताकतवर धमाका था। कहा जाता है कि ये धमाका एक एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था जो वातावरण में ही फट गया, और इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इस इलाके के सारे पेड़ जल गए।